हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज, एंड आप देख रहे हैं एम जी एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क एंड सिल्वर टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज से क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -25, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +38, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +15, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को करेंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -21, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को करेंगे -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर फिंगर को स्लाइड करते हुए अपनी फोटो की ह्यू एंड सेचुरेशन कुछ इस टाइप से मिलानी है, ताकि जो हमारी फोटो के जो टोन है वो हमें रियल टाइप से मिल पाए। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 224 एंड सेचुरेशन है 35। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +10, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +85, एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +57, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +24, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है उसे थोड़ा सा और डार्क टोन आए, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से विनियर की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, विनियर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -41, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मिड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +40, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +74, एंड अब क्या करेंगे, हमारी फोटो को हम शाइनिंग एंड स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा शाइनिंग आए। ठीक है, तो इसे रखते हैं 15, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रखे। तो गाइस, आपकी फोटो को ज़्यादा स्मूथ करने का जरूरी है, तो इसकी वैल्यू को आप उतना अधिक रखें। ठीक है,
एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड इसकी वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस से क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।